राम आएंगे, दीप जलाएंगे। इस जयकारे के साथ बड़ौदा से अयोध्या के लिए शुरू हुई श्री राम दीप प्रस्थान यात्रा बुधवार को आगरा पहुंची। फतेहपुर सीकरी से लेकर सैया इरादतन नगर तक राम भक्तों ने दीप यात्रा का भव्य स्वागत किया, साथ ही पुष्प वर्षा की और आरती की। बता दें कि 1100 किलोग्राम का यह श्री राम दीप बड़ौदा के भाईली गांव के अरविंद भाई पटेल द्वारा बनाया गया है। बड़ौदा के सयाजीगंज स्थित श्री राम मंदिर काला घोड़ा से यात्रा की शुरुआत 7 जनवरी को हुई। विभिन्न शहरों से गुजरे इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में पहली आरती इस दीप से शुरू होगी। यह दीप 1100 किलो का है, इसका व्यास 8 फुट का है, आधार की परिधि 5 फुट है। इसको बनाने में 1 माह से अधिक समय लगा है। इसमें 501 किलो घी भरा जा सकेगा। 15 किलो रुई की बाती से यह दीप 2.5 माह तक प्रज्वलित रहेगा। यह दीप पंचमुखी बताया गया है। यात्रा के साथ चल रहे अरविंद भाई पटेल का कहना है कि दीपक को बनाने में 5 धातुओं तांबा, पीतल, मेटल, ब्रास, MS धातु शामिल की गई है। दीप की ऊंचाई 9 फीट है। वही पटेल ने जानकारी दी कि उनके दोस्त की फैक्ट्री में इस दीप को तैयार किया गया है। पटेल ने बताया कि दीप को लेकर अयोध्या आने के लिए अनुमति मिल गई है। इसके बाद ही श्री राम दीप प्रस्थान यात्रा बड़ौदा से शुरू हुई है। 11 जनवरी देर शाम को अयोध्या पहुंच जाएगी। दीप को श्री राम मंदिर समिति को भेंट किया जाएगा। इस यात्रा में 50 से ज्यादा लोग शामिल हैं। श्री राम दीप यात्रा के आगरा पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। दीप यात्रा के साथ 40 लोगों का जत्था चल रहा है। दीप यात्रा ने किरावली सैया से होते हुए इरादत नगर में रात्रि विश्राम किया। इरादत नगर से सुबह अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसके देर शाम तक अयोध्या पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।